महाराज जी, मेरे मन में सवाल है कि कर्तव्य और भक्ति में प्रधान किसे मानना चाहिए और दोनों जरूरी हैं तो एक साथ कैसे एकाग्र किया? अलग क्यों मानते हो कर्तव्य ही भक्ति है भक्ति ही कर्तव्य आप अलग क्यों मान रहे दो क्यों मान रहे हैं? आपको दो नजर आते हैं क्या बोलिए कैसे महाराज जी एक ड्यूटी होती है भक्ति में जैसे ड्यूटी है तो किसकी ड्यूटी कर रहे हो आप रोजमर्रा के पेट किसकी कर रहे हो हमें उत्तर देते जाओ आपको भक्ति में पहुंचा देंगे जैसे अपना कर्तव्य है किसके लिए कर रहे हो आप पेट के लिए जनरली तुम कौन हो हम तो इंसान ही है मान हम अब, अब बिल्कुल अलग बात करोगे तो कैसे उत्तर हम दे पाएंगे <laughs> हाँ ये सृष्टि भगवान की है आपको कुछ कर्तव्य भगवान ने दिए हैं जैसे आप किसी के पिता हो किसी के पुत्र हो किसी के पति हो किसी के भाई हो कहीं आप ड्यूटी कर रहे हो सरकारी कर रहे हो या आप प्राइवेट कर रहे हो या आप किसानी कर रहे हो या आप व्यापार कर रहे हो इस सृष्टि का कार्य है ना भगवान का ही तो कार्य है ना आप भगवान के जन मानकर और भगवान के कार्य को भगवान के लिए करते हुए नाम जप करो इससे बड़ा कोई भजन नहीं कोई भक्ति नहीं अलग कुछ नजर आ रहा है अंदर से राम कृष्ण हरि राधा राधा रट रहे और यह मान रहे सृष्टि भगवान का कार्य मुझे किसानी दी मुझे व्यापार दिया मुझे अध्यापक बनाया मुझे डॉक्टर बनाया जो कार्य वो भगवान मुझे सेवा दी है उनकी सेवा कर रहा हूँ परिवार रूप में भगवान है सृष्टि रूप में भगवान है मैं भगवान का हूँ भगवान के लिए हूँ नाम जब इसी का तो नाम भक्ति है आपको कुछ अंतर लग रहा है भक्ति और कर्तव्य में उसी में लीन हो जाते अपने आप को हाँ फिर अलग कुछ करने की जरूरत नहीं अगर अलग मानते हो तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भगवान को प्राप्त करना अर्जुन जी तो अलग होकर संन्यास लेके भजन करना चाहते हैं पर भगवान ने कर्तव्य को प्रधान बताया तो कर्तव्य को ही भगवान की पूजा मानकर अंदर से नाम जप करते हुए करो रात दिन कुछ अलग करने की जरूरत नहीं जो कर रहे हो वो धर्म युक्त करो दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना से करो पाप आचरण मत करो वही भजन बन जाएगा और जहां हम स्वार्थ बुद्धि रखें तो अच्छे से अच्छा कार्य भी वो फिर भजन से विमुख कर देगा स्वार्थ बुद्धि रख करके अगर उसे भगवत बुद्धि करके करें तो युद्ध भी भगवान का भजन हो गया अब आप विचार करके देखो अर्जुन से यही तो भगवान कह रहे हैं कि आप उठकर खड़े हुए प्रत्यंचा चढ़ाइए और अधर्मियों को दंड दीजिए हो गई ना भगवान की पूजा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारी सेवा है तो सृष्टि भगवान की है आपको जो कार्य मिला है वो भगवान की सेवा है आप नाम सुमिरन करते हुए भगवान की भावना में भरकर वो कार्य कीजिए सबसे बड़ा भजन बन गया अब ऐसा कोई विचार हो कि गृहस्थी के कार्य हो जाए फिर एकांत जंगल में जाकर फिर भजन वो तो केवल कहानी मात्र है ऐसा कुछ नहीं है आना बड़े बड़े जंगलवासियों को भी समाज में ही पढ़ना पढ़ना पड़ता है व्यवहार करके उनको यहाँ अपने ज्ञान को दे के जाना पड़ता है असली भजन यही है जिसको जिस जगह तैनात किया गया है भगवान की पूरी सृष्टि है वो अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे जहाँ धर्म से भ्रष्ट होकर पालन करता है वो नष्ट हो जाता है अपने अपने धर्म का पालन करे और नाम जप करे तो अगरबत्ती न लगाए धूपबत्ती न लगाए आरती न करे चलेगा वो बिना किए भगवान को प्राप्त हो जाएगा और अगरबत्ती करे धूपबत्ती करे इसके बाद बेईमानी करे छल कपट करे तो न रख जाएगा धूपबत्ती और अगरबत्ती नहीं बचा पाएगी बात उसको समझ लीजिए समझ गए आप जी